नमस्कार, वेलकम टू नवनीतास किचन। आज बनाऊंगी प्रॉन पकौड़ा। एज ए स्टार्टर ये बहुत अच्छा लगता है, और इवनिंग में जब छोटा मोटा भूख लगे तो इसके लिए भी प्रॉन पकौड़ा बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्रॉन पकौड़ा बहुत ही आसान और झटपट बनने वाला रेसिपी है। बारिश का दोपहर हो या सर्दी का शाम, जब भी आपको प्रॉन पकौड़ा बना के सबको खिला के खुश करने का मन चाहे तो आप बनाइए और सबको खुश कर दीजिए। प्रॉन पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ ड्रेसिंग किया हुआ प्रॉन लिया है 250 ग्राम। मैंने मीडियम साइज़ का प्रॉन लिया है, आप चाहे तो छोटा वाला प्रॉन भी ले सकते हैं। इस प्रॉन को मैंने छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है। प्रॉन को कैसे क्लीन किया जाता है ये दिखाने के लिए मैंने 4 प्रॉन रख लिया है। अब इसे क्लीन करके दिखाते हैं। अब इसे छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। प्रॉन पकौड़ा बनाने के लिए एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसे मैंने स्लाइस कर लिया है। इसे अब हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल। अब डालते हैं प्याज, इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज को इतना ही फ्राई करेंगे जैसे कि इसका कच्चा स्मेल चला जाए। प्याज को मैंने 1 मिनट मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लिया है। अब गैस बंद कर लेंगे और प्याज को निकाल लेंगे। प्याज को मैंने हल्का फ्राई करके निकाल लिया है, बाद में इसे पकौड़े में मिलाएंगे। प्रॉन पकौड़ा में मिलाने के लिए लिया है धनिया पत्ता 2 टेबलस्पून फाइन चॉप किया हुआ, हरी मिर्च 1 टेबलस्पून फाइन चॉप किया हुआ, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। और प्रॉन पकौड़ा में मिलाएंगे लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और चाट मसाला सभी 1/2 टीस्पून, और नमक 1 टीस्पून। आप अपने स्वाद अनुसार नमक लीजिए। और इसमें मिलाएंगे बेसन 4 टेबलस्पून, और 1 अंडे का येलो पोर्शन, और कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। अब इन सारी चीज़ों को प्रॉन के साथ मिक्स कर लेंगे और प्रॉन पकौड़ा बनाएंगे। अब इन्हें अच्छी तरह प्रॉन के साथ मिला लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला के प्रॉन को रेडी कर लिया है। अब इससे पकौड़ा बना लेंगे। तेल को मैंने हाई फ्लेम में गरम कर लिया है, अब पकौड़ों को मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। पकौड़ों को पलटते हुए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। हाई फ्लेम में फ्राई करने से पकौड़ा अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से कलर आ जाएगा। प्रॉन पकौड़ा फ्राई हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। इसे ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई करने से ये हार्ड हो जाता है। फर्स्ट बैच का पकौड़ा मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, अब सेकेंड बैच का पकौड़ा भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे।
सेकेंड बैच का प्रॉन भी फ्राई हो गया है, इसे अब निकाल लेते हैं। सारा प्रॉन पकौड़ा रेडी हो गया है, अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। प्रॉन पकौड़ा का खुशबू से सारा घर महक रहा है, अब देखते ही खाने का मन कर रहा है। आपको भी जब भी मन चाहे ये आप बनाइए और इसका मजा लीजिए। प्रॉन पकौड़ा मैंने डिश आउट कर लिया है टमाटो सॉस और मस्टर्ड सॉस के साथ। इसे देखते ही खाने का मन कर रहा है, चलिए टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। बहुत ही लाजवाब बना है प्रॉन पकौड़ा, इसे आप भी घर में बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा बना है। जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए नया नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप सभी मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ।